सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास भी जियो का सिम है उसमें आपका इंटरनेट या फिर बोल सकते हो ओटीपी नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करोगे। जियो का सिम है तो उसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क का इस पर जाना है, उसके बाद सिम पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर मेरा जैसे जियो का सिम है करंट जियो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, यहाँ पर नेटवर्क मोड पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर 3G 4G 2G रहने देना है, यहाँ पर ये ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर APM एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की अगेन सेटिंग में जाना है, उसके बाद एप्लीकेशन एंड परमिशन वाला ऑप्शन पर जाना है, देन आपको ऐप मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद सारा एप्लीकेशन आपका मोबाइल का जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस मैसेज एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है, तो यहाँ पर मैं मैसेज एप्लीकेशन को ढूंढ लेता हूँ, उस पर मेरे को क्लिक कर देना है मैसेजेस पर, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्लियर कैश कर देता हूँ, उसके बाद आपको परमिशन SMS की दे देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो SMS की परमिशन सक्सेसफुल दे चुकी है, दे चुका हूँ मैं, तो यहाँ से अब हमारा वर्क करने लग जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद है तो लाइक करना, और गाइस एक चीज़ और भूल गया मैं, अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है तब भी प्रॉब्लम होती है तो रिचार्ज करवा लेना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।